हेलो एंड वेलकम टू श्रीश किचन। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल्स इन फिश ऑयल। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज की रेसिपी देखते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम वेजिटेबल्स देख लेंगे यहाँ पे क्या क्या यूज़ होंगे। एक बड़े प्याज को चॉप करके लिया है, एक बड़े आलू को इस तरीके से लंबे लंबे वेजेस में कट करके लिया है, जो येलो पम्पकिन होता है कोहरा उसे भी हम क्यूब्स में कट कर लेंगे, और ब्रिंजल उसे भी कट कर लेना है। ये फिश ऑयल है, इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। इसमें जितने इंटेस्टाइंस वगैरह कुछ रहते हैं उसको अच्छे से निकाल करके उसके बाद इसे सॉल्ट और टर्मरिक के साथ में मैरिनेट कर लेना है। इस तरीके से इसे रखना नहीं है, जस्ट मिक्स कर लेना है। अब एक कढ़ाई में 2 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल लेंगे और उसके बाद इसमें जो फिश फैट है उसको हम डाल देंगे और इसे अच्छे से स्टर फ्राई कर लेना है जब तक कि इसमें से ऑयल रिलीज़ हो सारे। जब अच्छे अमाउंट में ऑयल रिलीज़ हो जाए उसके बाद एक सूखी लाल मिर्च को हम इसमें तोड़ करके डाल देंगे और उसके बाद एक छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे मंगरेला। इसे आधे मिनट तक ऐसे ही चलाएं। इसके बाद इसमें चॉप किए हुए अनियंस को डाल दें। अनियंस को तब तक पकाना है जब तक कि ये ट्रांसल्यूसेंट हो जाएं, हल्के पिंक कलर के हो जाएं। अब इसमें चॉप किए हुए आलू डालने हैं। उसके बाद में ऐड करना है पम्पकिन यानी कोहरा। अब इसे ढककर 2 मिनट के लिए पकने दें। इसके बाद में इसमें नमक और हल्दी हम डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार डालें और हल्दी 1/2 टीस्पून डालेंगे। फिश ऑयल के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और DHA होता है जो कि हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने में मदद करता है, ब्रेन फंक्शन इम्प्रूव करता है और आपकी स्किन को भी अच्छा करता है। आई हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। अब इसे वापस कवर करके कुक कर लें और 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद में इसमें आप बैंगन डालें और उसके बाद इसे फिर से स्टर कर लें। बैगन को लास्ट में इसलिए डालना है क्योंकि अगर पहले डाल दिया तो फिर ये बिल्कुल मशी हो जाएंगे, जो कि अच्छा नहीं लगता है। इसका टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब इसमें 2 हरी मिर्चों को बीच से स्लिट करके डालेंगे। फिश ऑयल में अच्छा खासा DHA होता है जो कि एक प्रेग्नेंट वुमन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि फीटल ग्रोथ बहुत अच्छे से हो सके और फीटस का ब्रेन फंक्शन भी बहुत अच्छे से हो। अब इसे ढककर 7 से 8 मिनट के लिए इसके पकने दें जब तक कि ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाए, सारे वेजिटेबल्स इसमें अच्छे से कुक हो जाएं। अब इसे हल्का सा स्टर कर लें और लास्ट में, जैसा कि आप जानते होंगे, किसी भी बंगाली डिश में थोड़ा सा चीनी डाला जाता है टेस्ट के लिए, तो वैसे ही 1/4 टीस्पून आप इसमें शुगर डालें। इसकी वजह से इसका टेस्ट बैलेंस होता है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लें बस 1 मिनट के लिए और उसके बाद इसे डिश आउट कर लें। इसे आप स्टीम्ड राइस के साथ में सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी लगता है और साथ ही बहुत हेल्दी भी होता है।